उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बीएससी की छात्रा का अपहरण का प्रयास किया गया। जब वो कॉलेज के लिए जा रही थी, एक ऑल्टो कार में सवार बदमाशों ने उसे खींचने की कोशिश की। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि अन्य लोग भाग गए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया। सुबह थाना सिविल लाइन में एक सूचना प्राप्त हुई कि नवाब अजमत अली कॉलेज के पास एक छात्रा को कुछ लड़कों ने जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की है। इस सूचना के मिलते ही पुलिस तुरंत जो है मौके पर पहुंची एवं उनमें जो मुख्य आरोपी था उसको वो पुलिस की हिरासत में है और इसमें जो बालिका है जो वादी है बेसिकली उसके परिवार से जो है तहरीर प्राप्त कर ली गई है। कुसंगत धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर छेड़छाड़ और अपशब्दों के मामले में दो युवक तौसीन और शालिम को गिरफ्तार किया है। दोनों ने एक नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ की थी। फरुखाबाद के नलकूप विभाग में 16.71 लाख रुपए के घोटाले की जांच शुरू हो गई है। 5 फर्जी कर्मचारियों के नाम का वेतन जारी करने के मामले में वरिष्ठ सहायक मनोज कुमार को गिरफ्तार कर निलंबित किया गया है। जिलाधिकारी की गठित टीम कमेटी अभिलेखों की जांच कर रही है। अब तक 11 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। नवंबर 2021 से लेकर जून 2022 तक 6 कर्मचारियों के फर्जी कर्मचारियों के नाम से फर्जी वेतन पारित किया गया फरुखाबाद से, जो कि लगभग 16 लाख के आसपास की धनराशि थी। उसी प्रकरण में हमको जांच अधिकारी बनाया गया है और आज जांच समिति की प्रथम मीटिंग के लिए गोखंड फरुखाबाद के कार्यालय जिला कार्यालय में उपस्थित है। आज समिति की रिपोर्ट आज मंगलौर के मलकपुरा मोहल्ले में 25 अगस्त से गायब शादाब के मर्डर का खुलासा हो गया। पुलिस ने बताया कि शादाब का एक महिला के साथ प्रेम संबंध था। महिला के पति और देवर ने मिलकर उसके मर्डर की योजना बनाई। इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। नागौर जिले में लंबे समय से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया में अब राहत मिली है। 61 हेड कांस्टेबल को ASI पद पर प्रमोशन के लिए इंटरव्यू हुए, जिसमें 16 उम्मीदवारों का चयन हुआ। 8-9 साल से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने से रिक्त पदों पर भर्ती की संभावना है। वर्तमान में ASI और हेड कांस्टेबल पदों की भारी कमी के कारण पुलिस कामकाज प्रभावित हो रहा है। धौलपुर में सांसद भजनलाल जाटव ने जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद की खराब मशीनों और अतिक्रमण की समस्या की ओर भी ध्यान दिलाया। सांसद ने आपदा राहत के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दिलवाने की भी मांग की। गदागंज लूटकांड में निर्दोष को जेल भेजने के आरोप के बाद IG रेंज लखनऊ प्रशांत कुमार ने गदागंज थाने का निरीक्षण किया। इस घटनाक्रम से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। IG के साथ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। कानपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में विजिलेंस टीम ने छापेमारी कर 4th क्लास कर्मचारी नीरज मल्होत्रा को 10,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। ये कर्मचारी सेल विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत था। छापेमारी के बाद KDA में हड़कंप मच गया और अनियमितताओं का खुलासा हुआ। उन्नाव में सुक्खुखेड़ा गांव के पास बाइक सवार युवक से तमंची की नोक पर 3 बदमाशों ने लूट की। युवक ने 3 लाख रुपए के साथ बैग लूटा। घटना की जानकारी राजधानी अफसरों पर पहुंची और IG लखनऊ और पुलिस कप्तान समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की और इसकी प्राथमिकी दर्ज है और प्राथमिकी दर्ज होने के उपरांत हम लोग सारे पहलुओं की जाँच कर रहे हैं इसमें और जो भी इसमें सत्यता है और उस सत्यता में जो सही चीज निकलती है उसके हिसाब से कार्रवाई। कटिहार के कोड़ा प्रखंड के भटवारा पंचायत में उग्र ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। संदेह के आधार पर मौत के बाद ग्रामीणों ने 3 लोगों को बंधक बना लिया और पिटाई की। पुलिस ने बंदूकों को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान पुलिस पर भी हमला हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पूर्णिया के नए IG शिवदीप लांडे ने कटिहार पहुंचकर SP जितेंद्र कुमार के साथ अपराध नियंत्रण पर बैठक की। उन्होंने कटिहार में अपराधों में कमी की सराहना की और जमीन विवाद मामले की उचित सुनवाई की तारीफ की। उन्होंने नशा विरोधी रणनीति और आर्थिक शोषण रोकने पर भी जोर दिया। कुल मिलाकर वो कटिहार पुलिस के कार्यों से संतुष्ट नजर आए। एक ओवरऑल रिव्यू भी लेने आया था स्पेशली क्राइम से रिलेटेड। SP जितेंद्र से बात हुई और सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये है कि जितेंद्र ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो फैक्ट्स होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर ये कभी झूठ नहीं हो सकते। तो जो फिगर देखे फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊँगा कि जनरली ये आने से पहले यहाँ पे 80+ 85+
और 2020 में तो 90 हत्याएं हुई थी, तो वो जो हत्याओं की संख्या है वो 60 के आसपास सिमटी है। तो 30 हत्याओं का जो एक एक कारण मैंने उससे पूछा तो ये वो कारण भी रीजनेबल लगा है कि जो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड हत्या होती थी, इसका मतलब है कि थाना में लैंड से रिलेटेड इश्यूज को सुना जा रहा है, तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन था कि हत्याओं की संख्या में कमी। अमरोहा के गजरौला में नेशनल हाईवे 9 पर गांव में सवाजपुर में बाजार के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया। थार गाड़ी के विवाद के बाद राकेश ठेकेदार ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ गया। उन्होंने अपने भतीजे को गाड़ी के साथ भागने के लिए कहा, जिससे कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने चार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और चारों को गिरफ्तार कर जाँच कर रही है। कानपुर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रदर्शनी का उद्घाटन लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान ने किया। 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्देश्य कारीगरों और उद्यमियों को एक मंच पर लाना और उनके उत्पादों को प्रदर्शित करना है। प्रदर्शनी में पारंपरिक हस्तशिल्प, नवीनतम तकनीकी उपकरण और उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला देखी जा रही है। ये पीएम विश्वकर्मा योजना के लगभग एक साल पूरे हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 17 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ किया था और इस योजना को देश की योजना बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। 13,000 करोड़ से अधिक का बजट दे करके इसमें करोड़ों हस्तशिल्पी वो परंपरागत कारीगरों को इस योजना से जोड़ने का काम किया है, जिसमें लगातार इस योजना में 2 करोड़ से अधिक लगभग 2.5 करोड़ तक के रजिस्ट्रेशन हमारे देश में हुए हैं। महोबा के बिल्की गांव में 11वीं के छात्र का शव कुएं में मिला। छात्र 8 सितंबर से लापता था और दिल्ली में पढ़ाई को लेकर तनाव में था। पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताई है और मामले की जांच कर रही है। बलिया में पुलिस कर्मियों पर की गई कार्रवाई के लिए आजमगढ़ DIG को DGP द्वारा प्रशंसा चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्रवाई में 2 पुलिसकर्मी समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया।